मोदी जी को देंगे। वजह क्या है? हाँ, वजह क्या, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। 3 साल से लॉकडाउन है तब से फ्री राशन दे रहा है, कोई राशन ना देता था इतना फ्री। रोड सड़क हर जगह देखिए, नाला पर कोई ना आता, डर 10 बजे रात में ना कोई, अभी रात भर चल रहा है नाला पर कोई। कपड़े वाली माता जी, कपड़े वाली माता का रुकाने दीजिए, हमें ना राशन भी मिला, मकान भी नहीं मिला। उसको क्या कहे, उसके कपड़े ना बिक रहे, वो इसलिए ऐसे कर रही है। आज उसके कपड़े बिकने लग जाए, उसी के गुनगाने लग जाए लोग, ठीक है। आज लोग ना गरीब नहीं है, आज के लोग ना अमीर हो गए। इतना कर्जा था लोगों के ऊपर, सारा कर्जा उतार दिया मोदी ने और योगी ने। ये जो पी पी के और खा खा के सो रहे, उनके घर कभी नहीं बन रहे है, ठीक है। ये पूरा भारत योगी मोदी की वजह से जिंदाबाद है, बाकी तो सारे मर जाते हैं अब तक, और आ जाते नेता तो, ठीक है। इन्हीं की वजह से आप लोग जिंदे बैठे हो, पीपी के सो जाते हैं, और लेडी ड्यूटी करके 11-11 बजे तक आ रही है, ठीक है ना। ये तो भाषण दे रही है लेडी, मोदी की वजह से मैं तो मोदी को ही वोट दूंगी। अच्छा, मोदी को वोट तो देंगे, लेकिन मोदी के कुछ काम तो गिना दो, किस काम पे वोट दूंगी मैं इस बात पे, क्योंकि हम जो ड्यूटी कर रहे हैं, हम रोजगार कर रहे हैं, वो हम आधी रात भी कभी आ जाए कोई उंगली नहीं उठा सकता। सुरक्षा है, सुरक्षा है। राजनीति बहुत खराब है, ठीक है। मैं भी 16 साल का ही हूँ, अगर मुझे तभी वोट देना हो ना, मैं अखिलेश को दूंगा। पूछो क्यों? पूछिए इसलिए, कितना विकास हुआ है। अब इसके राज में सब चीज बिका हुआ है, हर चीज बिका हुआ है मोदी के राज में, बीजेपी जब से आई है, ठीक है, सब बिका हुआ है। बड़े आदमी ऊपर जा रहे हैं, छोटे आदमी और छोटे हो जा रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम हर्षित है, हर्षित यादव। हर्षित यादव जी, तो जाति के आधार पर अखिलेश यादव का सपोर्ट कर रहे हैं क्या? जाति के आधार पर नहीं, शिक्षा के आधार पर। शिक्षा के आधार पर तो योगी जी के राज्य में शिक्षा व्यवस्था फेल हो गई। अब फेल होती तो क्या, मैं डिप्रेशन में जाता। अच्छा, आप डिप्रेशन में? बिल्कुल है। कितने डिप्रेशन में? बहुत ज्यादा डिप्रेशन में। क्या वजह है डिप्रेशन की? पढ़ाई है, क्लास 10 पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई, 82% आए हैं। 82% आए हैं, 82% आने के बाद भी डिप्रेशन में हो? अरे भैया, जितने हिसाब से मेहनत करी गई थी, उस हिसाब से पेपर ना आया, तो डिप्रेशन करने की क्या वजह भाई? एक बात बताओ, आपके 82% आए आपकी मेहनत के आधार पे आए, ठीक है, तो उसमें योगी जी का क्या कसूर है? कसूर ये है कि उन्होंने बोझ इतना डाल रखा है, हमने बिना पढ़े पेपर गया तब 82% आया, अगर पढ़ के गया होता ना 99 क्रॉस हो जाता। क्यों नहीं पढ़ के गया, टेंशन हो गई थी। बिना पढ़े 82 आ गए, बिना पढ़े आए हैं। तो अखिलेश यादव के राज में भी बिना पढ़ो के आते थे परसेंट? क्यों, कैसे आते थे? ऐसे ही नकल के बेस पे आते। नकल तो हो नहीं रही थी हमारे स्कूल में, अब बताओ, नकल नहीं हो रही थी, अब बताओ। अब हम क्या बताएं, आपका जवाब तो पब्लिक से ही लेंगे, पब्लिक से लेंगे। आप क्या कहेंगी, माता जी ये डिप्रेशन में आ गए, इसकी की वजह से डिप्रेशन में चला गया है, और किसी की वजह से? जैसे इसकी की वजह से, और किसी की वजह से नहीं, इसकी वजह से। ऐसे लोग तो ऐसे जाते हैं डिप्रेशन में, बिगड़ पढ़ा हुआ तेरा इतना नंबर आ गया, अगर ये बता, तेरा बिगड़ पढ़ा इतना नंबर आ गया, अगर वो अखिलेश से होता तो एक भी नंबर तेरा आ नहीं सकता था, ये मैं जानती हूँ। क्या कहेंगे? नहीं, हम ना कह रहे, हम तो सिर्फ ये कहेंगे, अगर इस देश पर राज करने का किसी का अधिकार है, वो कांग्रेस का है, क्योंकि उसने कुर्बानी दी है, बस दो बातों में बात खत्म है। कुर्बानी किस किस की दे दी कांग्रेस? उसने कुर्बानी दी है भाई अपनी, ये इंदिरा गांधी, ठीक है जी, राजीव गांधी, इन्होंने कुर्बानी दी नहीं, सिंह ने कुर्बानी काटी है, इन्होंने सिंह ने कुर्बानी नहीं, ठीक है जी, सिंह ने कुर्बानी नहीं, इनके इतने, आप जवाब दे दो, इनके जितने भी काम, आप एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट भी नकार रहा है, केवल गांधी परिवार नहीं कुर्बानी कर दो इसको, केवल गांधी परिवार नहीं, ये गलत है इनके, बिल्कुल गांधी परिवार नहीं, मुठमर्दी हो रही, जवाब नहीं दे रहे। बस तुम, मैंने कहा भगत सिंह क्रांतिकारी, ज्यादा बोलना नहीं चाहता, मैंने बता दी दिल की बात, ठीक है। सिंह को आप चटको में हर तरह का इंसान मिला गया, सुनो, सहन शक्ति रखो। अरे हम चटक कब रहे, सवाल ही पूछ रहे हैं, कोई सही बोल रहा है तुम साइड कर, हम तो ये कह रहे हैं, बोलेगा बोलो, बोलवा रहे हैं, लेकिन बोल। क्या बोलूं मैं तुम्हारा, क्या बोलो, दिल की बात, खुद अपने आंखों के सामने खुद देख रहे हो, क्या देख रहे हो तुम, खुद सपोर्टर हो, अभी तुम बोल रहे, सपोर्टर नहीं है भाई साहब, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप भाग रहे हो, भाग रहे हो आप। आप भगत सिंह को, भगत सिंह ने कुर्बानी नहीं दी, केवल गांधी जी ने कुर्बानी दी है, क्या कहोगे आप? गांधी परिवार ने कुर्बानी दी है कि भगत सिंह ने भी कुर्बानी दी? नहीं, एक से तो कुछ होता ही नहीं है, एक से तो कुछ नहीं होता है। गांधी जी अपनी जगह हैं, भगत सिंह अपनी जगह हैं। तो आप 2024 के इलेक्शन कैसे देखते हैं, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री तो वही बनेगा जिसको जनता वोट देगी, जिसको जनता वोट देगी वही बनेगा। अभी जो मौजूदा प्रधानमंत्री है, उनको टक्कर देने वाला कोई नेता भी है कि नहीं है आपकी नज़र में? कोई नहीं है अब इस समय, तो कोई नहीं लग रहा है, भविष्य में कोई हो जाए तो अलग बात है। तो आप मोदी जी और योगी जी की जोड़ी को कैसे देखते हैं, काम कर रही है या फिर प्रचार ज्यादा कर रही है?
वो देश हित में ही है, उन्होंने वो तो है ही समर्पित पूरी तरह। देश हित में क्या काम कर दी, दो चार तो गिना दो आप। सब कुछ काम है, चलो आप तो नहीं, अब ये देख रहे हैं ये गिना पाएंगे काम। मोदी योगी जी के आप कह रहे थे, क्या काम कर दी आप, गिना पाओगे कैमरे पे? गिना आप नहीं देख रहे हैं कि कितना काम हो गया है? हमारे देखने से नहीं होता, आपके देखने से है। आप हमें गिनाओ कैमरे पे, बहुत काम हो गया। गिना कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए उन्होंने, और कैसे कहाँ पहुँच गया। आज आज देश का नाम कहाँ कहाँ हो रहा है, हमारे भारत कभी गिनती में नहीं आता, वो गिनती में आ गया है। अब क्या चाहिए आपके लिए, क्या कर दिया आपके लिए, क्या कर दिया? अरे वो हमारा देश सही है तो हम भी सही है, हमारे देश सही नहीं तो हम कहाँ से यहाँ पर रहेंगे। जब यहाँ पर गुंडागर्दी होगा तो हम कहाँ रहेंगे? आज गुंडागर्दी खत्म हो गया है ना, तो गुंडागर्दी खत्म होगा तो हम भी सेफ है, सारी दुनिया सेफ है, सब सेफ है। गुंडागर्दी पैसा करवाता है, जो पैसे इतने इतने लेकर के बैठे हुए हैं, जो रखे हुए तो वो करवाता है। इसका सही जवाब यही सुन लीजिए, सारे कहावत है जो सारा रामायण पढ़ गई सीता किसकी जोड़ू। विधि व्यवस्था जो सुधार किए हैं मोदी जी और योगी जी की राज में, जितनी विधि व्यवस्था का सुधार हुआ है वो जंगल राज कांग्रेस की राज में कभी ये 50 वर्ष की राज में नहीं हुआ, जब से आज़ादी से लेकर के अभी तक मिला जुला करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जमीन से आसमान तक उनके। और आने वाले समय में, एक मिनट भैया एक मिनट, आने वाले समय में योगी और मोदी जी विश्व गुरु कहलाएंगे। आप आज के दिन में नोट कर लीजिए आप अपने कैमरा में, जे आज के दिन और तारीख और आज की समय, जे आने वाले समय में मोदी जी विश्व गुरु कहलाएंगे। तो राहुल गांधी तो बोल रहे हैं नफरत की दुकान है मोदी। अरे नफरत की दुकान क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको अपनी राज और सत्ता भोगने के लिए उनको जगह नहीं मिल रहा है, कुर्सी नहीं मिल रहा है, वो भी किसी से कहलाएंगे कि आप भी तो नफरत की दुकान करें। और नफरत की दुकान फैलाते तो आज विश्व गुरु नहीं कहलाते, आज नफरत की दुकान करे तो कोरोना में दूसरे के लिए वो अपने देश की जनता को देखते हुए दूसरी की देश की जनता को भी बहुत बड़ा वो सौभाग्य बनाए। और अभी जितने बड़े कोरोना काल में जितने बड़े उन्होंने देश को संभाल लिया है, आने वाले समय में हमारा होता है कि अगर कांग्रेस की राज रहते ना नहीं संभाल पाता। अमेरिका में बैठ के बोल रहे हैं कि मोदी ने हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं किया, विकास का एक काम नहीं कराया, प्रचार ज्यादा कराया। प्रचार मंत्री है प्रधानमंत्री, प्रचार। हाँ ये कि उनकी नजर में यही लग रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं लग रहा है। हम लोगों को तो जमीन से लेकर के आसमान तक लग रहा है, बस इतना ही तक मैं खत्म करता हूँ। मोहब्बत की दुकान खुल जाएगी राहुल गांधी की? मोहब्बत की दुकान नहीं, वो सारा दुकान खोल दे, लेकिन वो आने वाले नहीं है, कुर्सी उनकी छिन गई, उसकी कुर्सी घिसक गई। विपक्ष उनके साथ है। क्यों विपक्ष साथ है, सारे मिल करके तो लड़ाई लड़े थे, कहाँ गए? अब भी लड़ेंगे। एक पहलवान को हराने के लिए 10 पहलवान की जरूरत पड़ता है, नहीं एक के साथ एक ही, दो भी नहीं चाहिए, एक पहलवान के साथ एक ही चाहिए, दो भी नहीं चाहिए। हाँ क्यों, राजनीति में तो गठबंधन चलते ही, गठबंधन चलते हैं, तो फिर भी गठबंधन करके क्यों नहीं आप हरा दिए मोदी जी को, हम ये जानना चाह रहे हैं। आप इतने समर्थक हो मोदी जी के, आप मुझे गिनती के 5 काम गिना दो। क्या अच्छे काम किए? 5 काम बहुत अच्छे किए हैं, देश की जनता के किधर के शुभचिंतक थे। क्या कोरोना काल में किधर उन्होंने बहुत बड़ा कहे राशन बांटे, कोरोना काल में जितने घर घर किधर कहे दवा की दी दिलाए, क्या क्या नहीं किए वो? और किधर की योजना गिनाओ ना, क्या जनता की योजना, जनता के लिए, जनता के, ये तो जनता की योजना है, जनता तो बदमाश को भी खत्म कर दी, सबसे बड़ी योजना तो यही है जनता की, बदमाश होते थे साले कब्जा कर लेते, और अब बोल जाओ कौन सा बोले आम आदमी से। अरे तो बदमाशों को कोर्ट तक तो पहुंचने दो, रोड पे ही गोलियां घलवा दो, अरे पहली चटका दो उनको, तो रोड तक कोर्ट तक पहुंच गए तो छूट गए, तो अदालतें बंद हो जाएंगी, अदालतें बंद हो जाएंगी, जान दो गुंडे ही गोली मार देंगे तो अदालतों में न्याय को, वो गुंडे थोड़ी है, वो ठीक है जो गोली मार रहे हैं। हाँ अच्छा, जो गोली मार रहे हैं वो गुंडे नहीं है? कोई गुंडे नहीं है वो, अभी जिसने अतीक को मारा वो गुंडे नहीं है? अतीक कितना बड़ा गुंडा था, उसने कितने मारे, वो मार दिया तो क्या बवा कर दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुषार शर्मा। तुषार शर्मा जी, 2024 में किसकी सरकार देखेंगे आप? हम बीजेपी की देखेंगे, 2024 भी 31 भी जब भी आएगी बीजेपी चाहिए हमें। अच्छा हाँ बीजेपी, गुंडों को नहीं आने देंगे। हाँ हाँ भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, मोदी चाहिए हमें, मोदी चाहिए। तो भाई मोदी मोदी आप लोग चिल्ला रहे, कोई तो वजह होगी, क्या काम कर दिए? सारी वजह है, आप बताइए क्या वजह नहीं है? बताओ, काम इतना पावरफुल बना दिया देश को, कोई बोल नहीं सकता सामने वाला। 55 साल में कांग्रेस ने पावरफुल नहीं बनाया, ऐसे ही देश चल रहा था। कांग्रेस खा गई, 80,000 वोट बना दिए अपने बाप के नाम पे,
कांग्रेस के बाप ने पैसा लगाया था, सारा गवर्नमेंट का जनता का पैसा था। अरे तो आईटी कॉलेज बनवाए, एम्स बनवाया कांग्रेस ने भी तो, कंप्यूटर क्रांति राजीव गांधी। कांग्रेस ने अपनी जेब से पैसा दिया क्या?